सो गाइस कैसे हो सब लोग। सो गाइस देखो इस वीडियो में अभी के टाइम में जो बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है क्लैश गॉड रैंक के लिए वो गाइस देखो मैं आप लोगों को बताऊंगा। गाइस देखो टोटल में आप लोगों को पांच ऐसे कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बताऊंगा जो गाइस एकदम रशर्स के लिए होगा, मतलब अगर आप लोग पूरा रश करके खेलते हो मेरे जैसा तो इन पांचों में से कोई भी कैरेक्टर कॉम्बिनेशन आप लोग ले सकते हो, पांचों के पांचों ही बेस्ट है। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा ओपी होने वाला है। अगर आप लोग क्लैश गॉड रैंक के लिए कोई अच्छा सा रशिंग के लिए कैरेक्टर कॉम्बिनेशन नहीं मिल जाए ना तो ये वीडियो आप लोगों के लिए यही। गाइस फटाफट यार 5K लाइक जरूर से करा देना, और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू आ रहे हो, मेरा फेस पहली बार देख रहे हो, मेरा आवाज पहली बार सुन रहे हो ना तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो और पास में जो बेल नोटिफिकेशन बेल है उसे भी गाइस जरूर से आप लोग ऑन कर देना। सो गाइस चलो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस जो फर्स्ट नंबर कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है वो है गाइस ओरियन, मिगवेल, लूना और ओथो। ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन गाइस देखो जो जो ओरियन मतलब ज्यादा लेके खेलते हैं उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है, और ये गाइस आप लोग क्लच निकालने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे। आपको गाइस क्या करना है, जब भी गाइस आप लोग मतलब कोई भी एनिमी सामने आ जाए ना, अगर आपका ओरियन एक्टिव है तो फटाफट ओरियन लगा दो। जैसे गाइस देखो मैं इधर कर रहा हूं, ओरियन लगा रहा हूं तो उसका हेल्थ कम जा रहा है, और गाइस आप लोगों को जंप करके उसको मार देना है। जैसे गाइस देखो मैं इधर जंप कर रहा हूं, हेडशॉट लग जा रहा है। तो ये टैक्टिक्स का आप लोग जरूर से यूज कर सकते हैं, इससे गाइस देखो क्लच बहुत ही ज्यादा इजीली निकल जाता है। क्योंकि गाइस आपको पता ही है ओरियन से जब भी आप लोग ओरियन हो जाओगे ना तो कोई एनिमी आप लोगों को डैमेज भी नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। ऊपर से गाइस देखो सामने वाले जो एनिमी है उसको 3G करके डैमेज लेगा, और जैसे गाइस देखो मैं जंप करके मार रहा हूं आपको भी ऐसे जंप करके मारना है। ये गाइस बहुत ही ज्यादा काम आता है, स्पेशली गाइस अगर आप लोग क्लच कर रहे हो या फिर शॉर्ट रेंज में फाइट कर रहे हो ना, मतलब बहुत सारे सामने एक से ज्यादा एनिमी है, तब गाइस ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन आप लोगों को बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। जैसे गाइस देखो मैं इधर कर रहा हूं, और गाइस मिगवेल का हेल्प से जब भी गाइस आप लोग एक बंदे को नॉक करोगे आप लोग फिर से दोबारा ओरियन हो सकते हो, मतलब ये वुकोंग जैसा काम करता है अगर आप लोग मिगवेल का यूज करते हो तो। और लूना का हेल्प से गाइस आपका जो गन का रेट ऑफ फायर है वो 15% बढ़ जाएगा, मतलब जब भी आप लोग ओरियन का जो बॉल है वो होके उठोगे ना, मतलब जब भी गाइस आप लोग नॉर्मल कैरेक्टर में आओगे आपका जो गन का रेट ऑफ फायर है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये गाइस आप लोगों को बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। और ऊपर से गाइस देखो ओथो का हेल्प से जिस भी एनिमी को आप लोग नॉक करोगे उसका 25 मीटर के अंदर जो भी एनिमी होगा ना उनका गाइस मूवमेंट स्पीड बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा, 25% कम हो जाएगा। तो आपको गाइस क्लच निकालने में बहुत ही ज्यादा इजी होगा, तो आप लोग ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन जरूर से यूज कर सकते हो। सेकंड नंबर जो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है वो है गाइस आप लोगों को तासुआ लेना है, शानी लेना है, लूना लेना है, और गाइस आप लोगों को एंटोनियो लेना है। और तासुआ का तो गाइस आप लोगों को पता ही है, आप लोग फटाफट एनिमी के एकदम सामने जाके उसको इजीली मार सकते हो, जैसे गाइस देखो मैं इधर कर रहा हूं। और ये गाइस तासुआ बहुत ही ज्यादा काम आता है, आप लोग राउंड के स्टार्टिंग में भी यूज कर सकते हो, बीच में भी यूज कर सकते हो, कोई बंदे को अगर आप लोग नॉक कर दिए तो फटाफट उसके सामने जाके उसको फिनिश भी कर सकते हो। जैसे गाइस देखो मैंने बंदे को डैमेज दे दिया तो मैं फटाफट तासुआ का हेल्प से इधर आ गया और उसको पता भी नहीं चला, मतलब जल्दी जल्दी आके उसको मार दिया। तो ये गाइस तासुआ बहुत ही ज्यादा काम आता है। ऊपर से गाइस देखो जब भी आप लोग शानी लोगे ना तो आपको 50 शील्ड पॉइंट मिल जाएगा, मतलब आपका जो एचपी होगा वो 250 हो जाएगा। आपको तो पता ही है पहले एनिमी को आपका शील्ड पॉइंट तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद ही गाइस आप लोगों को जो 200 एचपी मिलता है उसके बाद आप लोगों को इसमें डैमेज लगेगा। तो शानी का हेल्प से आप लोगों को 50 शील्ड पॉइंट मिल जाएगा। और लूना का हेल्प से आपको तो पता ही है आपका जो गन का रेट ऑफ फायर है वो 15% बढ़ जाएगा, मतलब शॉर्ट रेंज फाइट में आप लोगों को बहुत ही ज्यादा काम आएगा। और लास्ट में गाइस मैंने एंटोनियो इसलिए ही बोला क्योंकि एंटोनियो का हेल्प से भी ना आप लोगों को 40 शील्ड पॉइंट मिल जाएगा। पहले गाइस आप लोगों को शानी से 50 शील्ड पॉइंट मिलता था और एंटोनियो के हेल्प से आप लोगों को 40 शील्ड पॉइंट मिल जाएगा। टोटल गाइस आप लोगों को 90 शील्ड पॉइंट मिल जाएंगे, ऊपर से आप लोगों को 200 HP भी होगा, मतलब आपको मारना बहुत ही ज्यादा टफ हो जाएगा। आप लोग शॉर्ट रेंज में अगर थोड़ा मोड़ा भी अच्छा खेलते हो ना तो ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन का हेल्प से आप लोग बहुत ही ज्यादा ओपी खेलोगे। और गाइस देखो मैं आप लोगों को एक बोनस ट्रिक बता देता हूं, अगर आप लोग तासुआ का यूज कर रहे हो ना तो कभी भी गाइस आप लोगों को फालतू में तासुआ का यूज नहीं करना है, आप लोगों को तासुआ का जो एक्टिव स्किल है वो बचा के रखना है। तो अगर आप लोग पहले ही तासुआ यूज कर दिए तो गाइस आप लोग बाद में रिग्रेट करोगे कि सही मौका पे हम लोग यूज नहीं कर पाए, इसलिए तासुआ का जो एक्टिव स्किल है ना वो गाइस बचा के रखना है, रशिंग के लिए काम आएगा बहुत ही ज्यादा। थर्ड नंबर जो स्किल है वो है आलोक, जोसेफ, हायतो और एंटोनियो। और गाइस आलोक भी बहुत बंदे यूज करते हो, तो गाइस अगर आप लोग का आलोक फेवरेट है तो गाइस आप लोग जरूर से आलोक का यूज कर सकते हो। ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन स्पेशली क्या होता है ना, आप लोग रश भी कर पाओगे, ऊपर से गाइस आप लोग का हेल्थ भी मिलता रहेगा। और गाइस देखो जैसे कि आप लोग स्क्रीन में देख ही पा रहे हो सामने वाला जो एनिमी है वो गाइस मतलब A1-24 फेंका था, बट मेरे पास जोसेफ है तो जोसेफ का हेल्थ गाइस मेरा जो एक्टिव स्किल है वो ब्लॉक ही नहीं हुआ, तो इसी वजह से गाइस आप लोग को जोसेफ रखना है। सामने वाला कोई भी एनिमी अगर मतलब A1-24 फेंका या फिर सामने वाले एनिमी के पास मोको है वो गाइस अगर आप लोग को डैमेज दिया तो गाइस आप लोग को मतलब ऊपर एरो नहीं आएगा, तो इसीलिए गाइस आप लोग को जोसेफ रखना है, बहुत ही ज्यादा काम आता है। और उसके साथ गाइस देखो हाय तो मैंने इसलिए बोला क्योंकि हाय तो ना शॉर्ट रेंज फाइट में काफी ज्यादा काम आता है, अगर बंदा आपको बहुत ही ज्यादा डैमेज दे दिया आपका अगर हेल्थ कम है तब गाइस अगर आप लोग एनिमी के ऊपर डैमेज हो गए ना तो उसको डैमेज ज्यादा लेगा, डायरेक्टली आप लोग को शॉर्ट रेंज फाइट में काफी ज्यादा हेल्प करता है। और एंटोनियो का हेल्थ से गाइस आप लोग को स्टार्टिंग में ही 40 HP मिल जाएगा, मतलब आपका जो हेल्थ है वो 240 हो जाएगा, तो आप लोग को बहुत ही ज्यादा काम आएगा। तो ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन आप लोग यूज कर सकते हो अगर आप लोग का आलोक फेवरेट है तो। और बाय द वे गाइस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो गाइस क्या करो यार, फटाफट वीडियो को लाइक करो कि आप लोग
को वीडियो देखने में मजा आ रहा है तो वीडियो मजा आ रहा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो गाइस फटाफट सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। फोर्थ नंबर जो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है वो है गाइस आप लोगों को वुकोंग रखना है, जोटा रखना है, लूना रखना है और ओथो रखना है। और गाइस देखो मुझे पता है आप में से बहुत बंदे वुकोंग लवर हो गए, तो गाइस अगर आप लोग वुकोंग लवर हो तो गाइस ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन का यूज आप लोग जरूर से कर सकते हो। ये गाइस अगर आप लोग शॉटगन प्लेयर हो ना तब तो गाइस आप लोग ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन का यूज करना ही करना है। आप लोगों का क्या करना है, शॉटगन से पूरा स्पैम करके मार देना, जब भी आप लोग एक बंदे को नॉक करोगे तो फिर से गाइस आप लोग वुकोंग हो सकते हो। वुकोंग हो गए फिर से और एक दूसरे बंदे को मारो, फिर से और एक बंदे को मारने के बाद फिर से गाइस आप लोग वुकोंग हो जाओ। तो अगर आप लोग शॉटगन यूज करते हो, शॉटगन प्लेयर हो, तो गाइस आप लोग को यही कैरेक्टर कॉम्बिनेशन लेना है रशर के लिए, और वरना गाइस आप लोग कोई भी कैरेक्टर कॉम्बिनेशन ले सकते हो अपनी हिसाब से। वैसे गाइस तो वुकोंग कितना ज्यादा यूज में आता है, मैं वुकोंग का बुश बन के एकदम एनिमी के सामने गया, वो गाइस मेरे को मार ही नहीं पाएगा क्योंकि उसका डिफॉल्ट एम काम नहीं करेगा, तो उसका एम मिस जाएगा और मैं अपना एम सही करके उसको मार दूंगा। तो इसलिए गाइस वुकोंग काफी ज्यादा काम आता है, आप लोग जरूर से ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो। और ये गाइस आप लोग क्लच निकालने में भी काफी ज्यादा हेल्प करेगा क्योंकि गाइस देखो इसमें ओथो है, और ये गाइस आप लोग क्लच निकालने में भी बहुत ही ज्यादा काम आएगा क्योंकि गाइस देखो अगर आप लोग किसी बंदे को नॉक करोगे तो उसके आसपास जो भी एनिमी हुआ उसका गाइस मूवमेंट स्पीड 25% कम हो जाएगा, तो आप लोग को क्लच निकालने में काफी ज्यादा इजी होगा। और जोटा का हेल्प से गाइस जिस भी बंदे को आप लोग नॉक करके फिनिश करोगे आप लोग को 20% HP आप लोग को मिल जाएगा। और लूना का हेल्प तो गाइस मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में ही बता दिया था। अब गाइस देखो फिफ्थ नंबर कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है वो है क्रोनो, डीबी, मारो और वुल्फ्रा। और गाइस देखो अगर आप में से कोई क्रोनो लवर हो अभी भी गाइस आप लोग क्रोनो का यूज करते हो तो गाइस ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन आप लोगों को लेना है। ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूंगा अगर आप लोग थोड़ा सा लॉन्ग रेंज या फिर मिड रेंज में खेलते हो। अगर आप लोग मिड रेंज में खेलते हो ना ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन आप लोगों को बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। गाइस देखो शॉर्ट रेंज के लिए मैंने आप लोगों को पहले जो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बताया वो गाइस एक्सट्रीम शॉर्ट रेंज के लिए, बट ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन अगर आप लोग थोड़ा सा डिफेंसिव खेलते हो, थोड़ा सा लॉन्ग रेंज में खेलते हो, थोड़ा सा मिड रेंज में खेलते हो, ज्यादा शॉर्ट रेंज फाइट नहीं लेते, तब गाइस ये आप लोगों के लिए वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन हो सकता है। गाइस देखो इसमें मारो है और मारो का यूज तो गाइस आप लोगों को पता ही होगा, जितना दूर पे आपका एनिमी होगा उतना ही गाइस उसको डैमेज ज्यादा लेगा। और डीबी का हेल्प से गाइस आपका जो मूवमेंट स्पीड है और आपका जो एक्यूरेसी है वो एकदम नेक्स्ट लेवल हो जाएगा, तो मिड रेंज और लॉन्ग रेंज का जो हेडशॉट है ना वो बहुत ही ज्यादा तगड़े पड़ेंगे। और वुल्फ्रा का हेल्प से अगर सामने वाला बंदा आपको हेडशॉट मारा तो आपका जो हेडशॉट का डैमेज वो कम लेगा, पर जब भी आप लोग सामने वाले एनिमी को हेडशॉट मारोगे ना तो उसको डैमेज ज्यादा लेगा। तो ये गाइस बहुत ही ज्यादा तगड़ा कॉम्बिनेशन है अगर आप लोग मिड रेंज या फिर लॉन्ग रेंज में खेलते हो। और बाय द वे गाइस देखो जो जो रशर के लिए कैरेक्टर कॉम्बिनेशन था मैंने ऑलरेडी बता दिया, आई होप कि ये वीडियो आप लोग अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा मेरे को एक बार प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना, और हो सके तो प्लीज वीडियो को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना यार, आप लोग आजकल सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज गाइस आप लोग सब्सक्राइब कर दो, 4 लाख सब्सक्राइबर हम लोग जल्दी से जल्दी करने हैं यार, तो गाइस फटाफट सब्सक्राइब भी कर देना, वीडियो को लाइक भी जरूर से कर देना, लाइक कंप्लीट कर देना। और अगर आप लोगों ने मेरे को अभी तक इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो गाइस जाओ यार फटाफट मेरे को इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो गाइस जाके यार मेरे को फटाफट फॉलो कर लेना। और गाइस अगर आप लोगों को सीएस रैंक में रैंडम प्लेयर के साथ खेल के जीतना है ना तो गाइस आप लोग फटाफट राइट वाली वीडियो देखो, या फिर गाइस अगर आप लोगों को डेजर्ट ईगल से ओनली वन टाइम हेडशॉट मारना है तो गाइस आप लोग फटाफट लेट वाली वीडियो देख सकते हो। सो गाइस चलो टाटा बाय बाय पीस। ठीक है ठीक है, ओ बाबा एक हाथ दिए मार के दे मंटे रेडी था।